जितने भी मेरे अपने लोग हैं मैं उनके साथ हूँ, और उनका जो मशवरा होगा, जो वो लोग कहेंगे, हम लोग उसी पे मिलकर अमल करेंगे। हमारे यहाँ भी साहब के नाम से टूर्नामेंट हुआ था, तो वो याद ताज़ा हो गई। मैं महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि जो लोग हमारे बीच में नहीं हैं, उनकी याद में हम कुछ करते हैं तो बहुत दिल से करते हैं। आदाब, मैं हूं फजलुल मुबीन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सिवान की वरिष्ठ नेत्री मरहूम शहाबुद्दीन साहब की अहलिया मोहतरमा हिना शहाब साहिबा। मैडम, सबसे पहले आपका ढाका की सरजमीन पर खूब खूब इस्तकबाल है। जी, शुक्रिया। और मैं भी आप मीडिया बंधु को और यहाँ के सभी लोगों को खैर मकदम करती हूँ, और जो जिन्होंने मेहमान नवाजी की फैशल रहमान साहब का, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ आप आई, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, बराह रास्त भी और लोगों को देखा भी। कैसा लगा इस ऑर्गेनाइज के बारे में, और किस तरह का जो ऑर्गेनाइज हुआ था मरहूम मुतीउर रहमान साहब की याद में, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, ये तो मैं महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि जो लोग हमारे बीच में नहीं हैं, उनकी याद में हम कुछ करते हैं तो बहुत दिल से करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ भी साहब के नाम से टूर्नामेंट हुआ था, तो वो याद ताज़ा हो गई। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि इससे भी बेहतर होगा आने वाले दिन में, और बहुत अच्छे से हुआ, और इससे भी अच्छे की उम्मीद है। मैडम, जैसे कि अभी हाल के दिनों में आप राजनीति से थोड़ी दूर दूर नज़र आ रही हैं और सारे लोगों की डिमांड है, जैसे ढाका में भी काफ़ी लोग आपको सुनने के लिए आए थे और देखने के लिए आए थे, लोगों की बेताबी है कि आप मैदान में आएँ, तो इसको लेकर आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, अभी तो कोई पॉलिटिशियन प्रोग्राम तो था नहीं, तो इसलिए पॉलिटिक्स के बारे में कोई अभी हम बात नहीं कर सकते हैं। और रणनीति की बात है, मैं अपने पूरे बिहार जिले के जितने भी मेरे अपने लोग हैं, मैं उनके साथ हूँ, और उनका जो मशवरा होगा, जो वो लोग कहेंगे, हम लोग उसी पे मिलकर अमल करेंगे। उसामा शाहब जैसे आपके लिए, उसी तरीके से फैसल रहमान भी हैं। फैसल रहमान के लिए कौन सी दुआएं हैं आपके लिए? बहुत आगे जाएं और बहुत कामयाब हों। पार्टी अलग है, और अपनी जो आपस में जो होती है इखलाक, आपसी अखलाक, हाँ, आपसी इखलाक को बनाए रखें। और अपने जिले से इंसान खासकर बहुत बारीकी से जुड़ा होता है, दिल से, तो सब अपने ही लगते हैं। और मुझे उम्मीद है के मोतिहारी में इंशाल्लाह आने वाले दिन में ये बहुत आगे जाएंगे, और मेरी दुआएं साथ हैं।